कच्चे तेल के दाम में उछाल पर नहीं मिल रही राहत। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर 120.16 डॉलर लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल भी मची हुई है, लेकिन अभी सामान्य दर से लगभग 40 से 42 डॉलर ज्यादा कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल में करीब 8 रुपए प्रति लीटर घाटा फिलहाल देखने को मिल रहा है उन्हें, और तेल कंपनियां राहत के लिए केंद्र का मुंह ताक रही है। उधर प्रदेश में घाटे और स्टॉक की कमी के चलते आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, सप्लाई प्रभावित हुई है। तेल कंपनियां डीलर्स को डीजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं पहुंचा पा रही। HPCL और BPCL डिपो पर 2 दिन से आपूर्ति ठप है, तो कहीं ना कहीं एक विवादास्पद बात है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल के दामों में उछाल है लेकिन राहत नहीं मिल रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 120.16 डॉलर यानी कि लगातार बढ़ते दामों में भी भारतीय बाजार में हलचल मची हुई है। अभी भी सामान्य दर से करीब करीब 40 से 42 डॉलर ज्यादा कच्चे तेल की कीमत है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कच्चे तेल के दामों में उछाल है पर राहत अभी भी जनता को नहीं मिल रही, और अब क्या आने वाले दिनों में इसकी परिणाम के तौर पर देखने को मिल रही है जानकारी? देखिए जयती, जिस तरह के हालात बने हैं वो अब राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, खासकर HPCL और BPCL। देखिए तीन बड़ी जो सरकारी कंपनियां IOC, HPCL, BPCL, इसके अलावा दो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नायरा और रिलायंस। तो नायरा और रिलायंस के लगभग जो पेट्रोल पंप है वो तो ड्राई पहले ही हो चुके हैं। IOC ने जरूर अपनी आपूर्ति को बनाए रखा है, लेकिन HPCL और BPCL के भी पेट्रोल पंप जो कि करीब 50% के करीब है पूरे प्रदेश के अंदर, 2500 से ज्यादा पेट्रोल पंप, तो वो ड्राई होने की कगार पर है। डीजल की आपूर्ति को लगभग बंद कर दी गई है, कल शनिवार को बंद हुई थी, आज रविवार है, चूंकि आज छुट्टी का दिन है तो आज वैसे भी बंद रहेगी। अचानक से जो हालात उपजे उसके पीछे सीधा कारण है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध अभी तक नहीं थमा है, और जितने भी ओपेक देश हैं जो कि पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, उन्होंने एक अपनी मोनोपोली सेट कर रखी है और वो लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि रूस के पास जो तेल के भंडार है उन पर दबाव बनाया जाए, उससे उनको कोई खरीदार न मिले। तो यही कारण इसका रिफ्लेक्शन हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। देश के अंदर लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है, खासकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट की बात करें, तो 120 डॉलर से ज्यादा अभी भी कच्चे तेल के दाम चल रहे हैं प्रति बैरल। इसका मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान में जो तेल कंपनियां देश की, खासकर सरकारी तेल कंपनियां, उनको डीजल और पेट्रोल दोनों में प्रति लीटर 8 रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है, और यही कारण है कि जो सप्लाई जो रुकी है, खासकर HPCL और BPCL की सप्लाई रुकने के पीछे यही कारण है। और इसका रिफ्लेक्शन और देखने को मिलेगा आने वाले 1-2 दिन में, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो पूरी तरह से 2500 के करीब जो पेट्रोल पंप है HPCL और BPCL के प्रदेश में, वो तो पूरी तरह ड्राई हो ही जाएंगे, और सारा जो लोड है वो IOC के पेट्रोल पंप पर आ जाएगा। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है ऊंची दरों के बावजूद। तो इसमें स्थिति ये बन रही है कि जितनी भी तेल कंपनियां वो केंद्र सरकार की तरफ देख रही है कि जिस तरह से सेंट्रल एक्साइज में कमी करके जनता को राहत दी, ऐसे ही कोई ना कोई पैकेज तेल कंपनियों को दिया जाए ताकि वो अपनी आपूर्ति को सुचारू रख पाए। बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में फिलहाल अभी विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 110 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, तो फिलहाल जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है उसकी आपूर्ति के लिए और क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या ऑप्शंस फिलहाल इसके लिए रह जाते हैं? जिस तरह की सूचना है, केंद्र सरकार लगातार रूस से इस बात के प्रयास कर रही है कि रूस से कच्चे तेल को लिया जाए, और वो सस्ता भी मिल रहा है, क्योंकि जो पैकेज रूस ने निर्धारित किया है वो ओपेक देशों की अपेक्षा 30-40% तक कम है। लेकिन रूस से कब कच्चा तेल आएगा, कब वो रिफाइंड होगा, कब वो पेट्रोल डीजल के तौर पर हिंदुस्तान के मार्केट में आएगा, इसको कहना अभी बड़ी जल्दबाजी होगी। इस पूरी प्रोसेस के अंदर अभी 1-1.5 महीना लग सकता है, यानी 1-1.5 महीने जब गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत बनी रहेगी। और देखिए यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध का एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जो यूक्रेन से अधिकतर जो प्राकृतिक गैस है उसकी सप्लाई आती थी, तो उसकी सप्लाई भी रुकी है। तो प्राकृतिक गैस, गैस के जो दाम है, खासकर जिसको हम रसोई गैस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, पॉलिटिक गैस के तौर पर रेस्टोरेंट्स और होटल इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें भी 50 रुपए तक की वृद्धि की संभावना है। तो ऐसी स्थिति ये बन रही है कि अब केंद्र सरकार को जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा तरीका, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि तेल कंपनियों को भी नुकसान ना हो, आम जनता पर भी भार ना पड़े, और किसी न तरह से जो पेट्रोल की और डीजल की जो मांग और आपूर्ति है उसके अंतर को कम किया जा सके। बिल्कुल, चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।